ग्राम पंचायत लोनारा में बाबा स्व सहायता समूह के द्वारा अपनी नेतागिरी के दम पर विभागों के आदेशों की अनदेखी कर बच्चों के माध्यान्ह भोजन में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों द्वारा बार बार जानकारी मांगने पर भी जानकारी नहीं देना ये साबित करता है कि भारी भ्रष्टाचार कर बच्चों के हितों पर डाका डाला जा रहा है। कुछ ग्रामीणों के नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि बच्चों को मेनू के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है और यदि कहने जाते हैं तो दादागिरी के दम पर आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। खरगोन तहसील से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। सर, ये एक बाबा सहायता समूह का एक आपके पास मैटर आया था, उसमें बिल वाउचर और केस बुक इनकी जानकारी नहीं दी गई। सर, इस संबंध में क्या कहोगे? सर, सूचना के अधिकार में जो आवेदन द्वारा जो जानकारी चाही जाती है, उस चाही गई जानकारी को हमारे द्वारा जिन संस्थाओं के अंतर्गत यह कार्य किया जा रहा है, मध्याह्न भोजन से संबंधित है, तो उन संस्थाओं को हमने पत्र जारी किए। समय सीमा में जो जानकारी उन्होंने हमें उपलब्ध कराई, वो जानकारी हम आपको प्रेषित कर रहे हैं। अब बाबा स्व सहायता समूह के जो बिल और बिल वाउचर और कैशबुक की जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने हमें उपलब्ध नहीं कराया, इसलिए हम वो जानकारी आपको उपलब्ध नहीं कर सकते। सर, आपके द्वारा मौखिक में या लिखित में उनको सूचना? लिखित में हमारे द्वारा सूचना की गई। आपका पत्र जैसे हमें प्राप्त हुआ, वैसे हमने उन्हें पत्र जारी किया कि इन संस्थाओं के अंतर्गत जो संचालित है, लोनारा के जो तीन संस्थाएं हैं, शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय लोनारा, प्राथमिक इंदिरा नगर लोनारा और प्राथमिक विद्यालय नाहल मुलाला लोनारा, जिसमें बाबा स्व सहायता समूह द्वारा मध्याह्न भोजन संचालित किया जाता है। अब विभाग को उनके द्वारा जानकारी नहीं अवेलेबल करवाई जा रही है, तो फिर उस पर क्या कार्रवाई होगी? विभाग द्वारा कार्रवाई से हम पत्र जारी कर सकते हैं और इसकी सूचना हम वरिष्ठ कार्यालय को देंगे। जब आप वरिष्ठ कार्यालय के संपर्क में भी आप पहुंचेंगे, तब हम ये अवगत कराएंगे उन्हें कि ये सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये जानकारी चाही गई थी और इनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। क्या नाम लिखते हैं सर? मुरलीधर महाजन, बीआरसी खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।